of Dogs, right? what pronounce select interview लेता तो आपको मैं कभी भी select नहीं करता कि सीखना है but English का माहौल नहीं था गाँव में अगर हम English बोलेंगे तो लोग कहेंगे तुम इतना पढ़ लिख लोगे तो हमारे का लड़का कहां से मिलेगा हाई एवरी वन मेरा नाम तस्लीम है मैं एक फ़्लाइट अटेंडेंट और एक यूट्यूबर हूँ तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे अपनी जो फ़्लाइट अटेंडेंट की जर्नी है एंड मेरी जो इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है वो आपसे मैं शेयर करूँगी तो ये हुआ तब था कि जब मैं टेंथ स्टैंडर्ड में थी और मैं फ़र्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ में एयरपोर्ट पर गई थी अंकल को ड्रॉप करने तो फर्स्ट टाइम मैंने एयरपोर्ट पर फ़्लाइट अटेंडेंट्स को देखा फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी कैबिन क्रू बनना है उसके बाद मैंने घर पर आकर सबको बताया कि मुझे कैबिन क्रू बनना है तो टेंथ क्लास मैंने पास करने के बाद में मैं ट्वेल्थ में गई एंड ट्वेल्थ के बाद मैंने में मैंने मेरे पापा से कहा कि पापा मुझे फ्रैंकफिन ज्वाइन करना है फ्रैंकफिन ज्वाइन करना है बिकॉज मुझे एयर होस्टेस बनना है तो फ्रैंकफिन एक एयर होस्टेस ट्रेनिंग है जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है एयर हॉस्टेस बनने के लिए फ़्रैंकफिन से मैंने कोर्स किया देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे खुद पे वर्क करना है खुद के कॉन्फिडेंस पे स्पेशली खुद की इंग्लिश पे मुझे वर्क करना है बिकॉज़ मैं हमेशा से एक विलेज बैकग्राउंड से थी तो मुझे अपनी प्रोनांिएशन पे अपनी इंग्लिश पे वर्क करना था तो फ्रैंकसन से कोर्स करने के बाद में मैंने uh, मेरी लाइफ में ये मैंने सोचा कि मुझे ये चेंज करना चाहिए मैंने एक टेली परफॉर्मेंस जो एक बी कंपनी है वो मैंने ज्वाइन की तो टेली परफॉर्मेंस कंपनी से पहले मुझे लगता था कि हाँ मैं ठीक हूँ मैं कैबिन गुरु बन सकती हूँ मुझ में क्वालिटीज़ हैं बट यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी हुआ ये था कि जब मैं टेली परफॉर्मेंस में अपनी ट्रेनिंग में थी तो हमारे जो ट्रेनर थे उन्होंने हमें एक एक्टिविटी एक एक दी थी कि आपको सारे कैंडिडेट्स को आगे आकर कुछ ना कुछ बोलना है और आपको इस टॉपिक पे बोलना है कि आपको किस किस चीज़ से डर लगता है मैं स्टेज पे गई और मैंने बोला कि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है बिकॉज़ मुझे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो मैंने उनको बोला आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स राइट उन्होंने मुझे बोला कि वाट आप रिपीट करेंगे फिर से तो मैंने कहा यस आई एम अफ्रेड ऑफ़ डॉग्स मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने गलती क्या की उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आपका इंटरव्यू किसने लिया तो मैंने बोला कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि अगर आपका इंटरव्यू मैं लेता तो आपको मैं कभी भी सेलेक्ट नहीं करता एंड मुझे अभी तक अपनी गलती का बिल्कुल पता नहीं चला उन्होंने मुझे बताया कि बी ओ जी है आप इसको सही से प्रोनाउंस कर रहे नहीं आपको सेलेक्ट किसने किया तो हमारे सोसाइटी में हम मैं जहाँ रहती हूँ सीकर से राजस्थान से मैं हूँ तो हमारे यहाँ पे हम लोग ओ साउंड को गलत प्रोनाउंस करते हैं जैसे हम बोलते हैं लोग क्या कहेंगे तो इस वाले लोग में एन एल ओ जी लॉग टेबल जो मैथमेटिक्स में होती है उन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी डिफरेंस है इस तरह से मैं डी ओ जी डॉग्स को मैं बोला करती थी डोग जो काफ़ी फ़नी था सबने मेरी हंसी उड़ाई बट उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि लोग हंसेंगे मुझे उनसे कुछ सीखने को भी मिलेगा और मुझे सीखना है इस तरह से मुझे अपनी मुश्किलों को पार करके मुझे आगे जाना है तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे अपने इंग्लिश पे वर्क करना है ताकि मैं अपने करियर को अपने गोल को अचीव कर सकूँ फिर मेरी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी स्टार्ट हुई तो उसके बाद फिर कोविड आ गया तो मैंने जॉब वगैरह एक बार छोड़ दी कोविड में कोविड जो टाइम था वो मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था बिकॉज उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील करती थी बिकॉज़ मैंने फ्रैंकफिन से अपना एविएशन कोर्स किया था उसके बाद में भी मैं बेरोजगार थी तो जब हम कुछ कोर्स करते हैं एंड हमारी सोसाइटी में ये होता है बिकॉज आई बिलीव कि मैं अच्छी फैमिली से थी गाँव में बट सोसाइटी भी मैटर करती है बिकॉज सोसाइटी में मुस्लिम्स में हमेशा यही सुनने को मिलता है कि गर्ल्स पे इतना खर्चा क्यों करना बिकॉज शादी के बाद में तो वो दूसरे घर जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं तो लड़कियों पे पैसे लगाना हमारी सोसाइटी में फिजूल खर्ची समझा जाता है बॉयज़ के एजुकेशन के लिए सब उनको बाहर भेजते हैं तो मुझसे घर वालों की सोसाइटी की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि तुमने फ्रेंक से कोर्स किया है तुम अभी तक तो कुछ नहीं कर पाई वो मेरी लाइफ का सबसे हार्ड मोमेंट था तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद को प्रूव करना है कुछ मुझे करना है बट कोविड के टाइम पे कुछ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी हमेशा से मुझे इंग्लिश सीखने का एंड सिखाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था एंड कैबिन क्रू बनने के लिए एयर होस्टेस बनने के लिए आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए चीव। मुझ में मुझे लगता था कि मुझ में ये क्वालिटीज़ हैं तो मुझे अपने इसी प्रोफेशन पे वर्क करना चाहिए था तो मेरे सामने चैलेंज था कि मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं कुछ अलग हूँ और मैं कर सकती हूँ तो उस टाइम पे मैंने खुद की इंग्लिश पे वर्क करना स्टार्ट किया बिकॉज वो टाइम हमारे पास था और हमें उस टाइम को यूज़ करना था तो मैंने पड़ोस में काफ़ी सारी ट्वेल्थ में टेंथ में गर्ल्स थी उनको मैंने ट्यूशन्स करवाना स्टार्ट किया एंड ट्यूशन्स के साथ साथ मैं खुद इंग्लिश पे वर्क करने लगी अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आया था कि अब इंग्लिश सीखना है बट इंग्लिश का माहौल नहीं था गांव में अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो लोग कहेंगे कहाँ से आए हैं अंग्रेज़ की औलाद अरे अंग्रेज़ चले गए और इनको छोड़ गए तो ये वाले मुझे काफ़ी सारी बातें सुनने को मिलती थी जब मैं प्रैक्टिस किया करती थी तो मेरे लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग था बिकॉज एक गाँव में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई हमारे साथ इंग्लिश में बात करें बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि आज हम हमारे फ़ोन्स की हेल्प से वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम बाहर जाके कर सकते हैं राइट सो so, उस टाइम पे मैंने अपने फ़ोन का यूज़ किया सबसे ज़्यादा मैं आ, मैंने ऐप्स को सर्च करना स्टार्ट किया तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐप्स मुझे मिले जिनकी हेल्प से हम किसी भी इंग्लिश पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं बिकॉज हम जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इंग्लिश पार्टनर हमारे पास नहीं है हम ये एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि मैं इंग्लिश कैसे सीखूँ क्योंकि मेरे पास पार्टनर नहीं है तो ये वाला जो एक्सक्यूज़ था इसका मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि क्यों ना ऑनलाइन हम सर्च करें बिकॉज़ काफ़ी सारी गर्ल्स मेरी तरह होंगी बॉयज़ मेरी तरह होंगे जो अपना पार्टनर ढूंढ रहे होंगे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तो उसी मुझे उस जर्नी में मुझे काफ़ी सारे ऐप्स मिले अच्छे अच्छे जिसमें से एक ऐप था जो स्किल्स ऐप जो आपको इंग्लिश है इंग्लिश को सिखाने में हेल्प करता है तो इस ऐप पे आप साइन अप करने के बाद में आप किसी भी रैंडम इंसान से बात कर सकते हैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर नहीं होंगे तो मैंने इस ऐप पे मैंने सिक्स मंथ्स तक ट्राई किया इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे चार टिप्स को भी फॉलो किया रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग रीडिंग में मैं हमेशा कुछ ना कुछ रीड किया करती थी इंग्लिश में क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण करना पड़ेगा तभी आप बोल पाएंगे रीडिंग के लिए मैं कुछ ना कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़ती थी और सबसे इम्पोर्टेंट इन चारों पार्ट्स में है राइटिंग राइटिंग को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं बट प्लीज़ राइटिंग एंड स्पीकिंग को आप इग्नोर मत कीजिए स्पीकिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आप बस में कहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने सराउंडिंग को आप डिस्क्राइब कीजिए कि आई एम इन द बस आई कैन सी अ लेडी इन फ्रंट ऑफ मी इस तरह से आपके सामने जो जो चीज़ें आ रही हैं कार आपके सामने आ रही तो प्लीज़ आप उसको डिस्क्राइब कीजिए इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि आपको बिल्कुल भी टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है आप स्कूल जाते हैं आप ऑफिस जाते हैं तो अब रास्ते में इंग्लिश में कुछ ना कुछ खुद से बात कीजिए ठीक है अब हम चलते हैं राइटिंग के पार्ट पे तो राइटिंग के लिए आपको क्या करना है हमेशा कुछ ना कुछ लिखना है अगर आपके पास कुछ लिखने को नहीं है तो आप कम से कम वो लिखिए जो आपने पूरे दिन में किया है जब मैं इंग्लिश लिखा करती थी मैं अपनी डायरी लिखा करती थी कि आज मैंने क्या किया आज मेरे साथ ये हुआ इस तरह से आप जब अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स मिलेंगे राइट सो so, इस तरह से आप नए नए वर्ड्स को रोज आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे आप डिक्शनरी चेक करेंगे इस तरह से आपको रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे वर्क करना है तो इन चारों पार्ट्स में से जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है लिसनिंग क्योंकि लिसनिंग में हम क्या करते हैं सबसे अच्छा मैं मानती हूँ मूवीज़ देखना बट अगर आपको हॉलीवुड मूवीज समझ में नहीं आती हैं बिकॉज उनका जो एक्सेंट है वो काफ़ी अलग होता है तो आप क्या कर सकते हैं आप सॉन्ग सुन सकते हैं इंडियन जो सिंगर्स हैं जो इंग्लिश में गाते हैं आप उनका सॉन्ग सुन सकते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी आप एक सॉन्ग याद कीजिए अपने पसंद का उसको सुनिए उसमें से कुछ फ्रेजेस निकालिए उनको याद कीजिए उनको गाइए आप साथ में तो इस तरह से ये जो चारों टिप्स थे ये मैंने फॉलो किए थे अपने इंग्लिश पे वर्क करने के लिए जब भी मैं उठती थी रात को दिन में कभी भी तो मेरे माइंड में हमेशा यही सवाल आता था यही मेरी इमेज बनती थी माइंड में मुझे कैबिन क्रू बनना है मैं हमेशा खुद को विजुअलाइज करती थी कि ये उस कैबिन क्रू के यूनिफॉर्म में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई भी करियर चूज कीजिए आप यूपीएससी ट्राई करना चाहते हैं टीचिंग बैंकिंग कुछ भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उस चीज़ के लिए पैशनेट होने चाहिए मैं हमेशा से अपने करियर के लिए पैशनेट थी अपनी इंग्लिश लर्निंग के लिए पैशनेट थी तो मुझे ये अपना स्ट्रगल मुझे कभी स्ट्रगल लगा ही नहीं क्योंकि मैंने जो मेरी जर्नी थी कैबिन क्रू बनने की जर्नी थी इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी थी मैंने इसको हमेशा इन्जॉय किया है तो आपको भी जो आप करना चाहते हैं जो आपका दिल आपको बोलता है कि मुझे ये करना चाहिए प्लीज़ आप वही चूज़ कीजिए और जब मैं इंग्लिश इतना पैशनेटली सीखा करती थी दूसरों को सिखाया करती थी अपने करियर के लिए इतना वर्क करी थी तो एक बात मुझे बार बार सुनने को मिल रही थी कि जब तुम्हें खाना ही बनाना है तो इतना करियर के लिए क्या सोचना किसी भी तुम्हारा रिच इंसान से हम शादी करवा देंगे तुम्हारा करियर सेट है लड़कियों का करियर सिर्फ इतना है शादी करो बच्चे करो एंड डेथ सेट तो हमें ये बातें बार बार में बोली जाती थी तो इसलिए हमारी कास्ट में गर्ल्स इतना ज्यादा एनकरेज नहीं है पढ़ने के लिए नहीं स्कूल जाती हैं टेंथ एंड ट्वेल्थ के बाद में वो अपने करियर के लिए नहीं सोचती हैं इनफैक्ट मुझे ये भी बातें काफी टाइम सुनने को मिली कि तुम इतना पढ़ लिख लोगे तो हमारी कास्ट में तुम्हारे लायक लड़का कहां से मिलेगा तो जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं गर्ल्स आपको ऐसी चीज़ें ऐसी मुश्किलें ऐसे ताने ज़रूर सुनने को मिलेंगे आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी अपनी सोसाइटी से कि हमारे ये नहीं होता आप ये नहीं पहन सकते आप ये नहीं पढ़ सकते आप बाहर जाकर पढ़ नहीं सकते सिर्फ बॉयज़ ही कर सकते हैं गर्ल्स ये नहीं कर सकती तो हमें इन चीज़ों को हमें इन नेगेटिविटी को अलग करना है खुद से इनफैक्ट हमें जो हमारे पास में जो पॉजिटिव लोग हैं पॉजिटिविटी है हमारे पास हमें उनके बारे में ज़्यादा सोचना है और अपने स्किल्स पे वर्क करना है लास्ट में मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप करियर बनाना चाहते हैं अपना करियर ग्रोथ करना चाहते हैं तो एक पॉइंट गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी इंग्लिश पे वर्क कीजिए इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि लोग मुझ पर हंसेंगे लोग क्या कहेंगे वो मुझ पर हंस रहे हैं इस तरह से आपको इन चीज़ों को हटाना है अपनी लाइफ से और आपका आप जब इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे आप सीख पाएंगे अच्छे से तो आप ख़ुद ये महसूस करेंगे कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं इंग्लिश की आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर सकते हैं आप अपना खुद का YouTube चैनल बना सकते हैं एंड इंग्लिश आना आजकल एक स्टेटस सिंबल भी है तो इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आप खुद के पास जो रिसोर्सेज हैं उनसे आप सीख सकते हैं आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा आपको कोई कोचिंग भी नहीं ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको सिर्फ घर पे आपके पास फोन है आपके पास इंटरनेट है आपको उसका यूज करना है अच्छे से काफी सारी एप्लीकेशंस मैंने आपसे शेयर की हैं प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकें आई होप आपको मेरी ये स्टोरी समझ में आई आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग उन्होंने मेरा सीवी लिया और मेरे हाथ पे रख दिया <laughs> बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो इंट्रोड्यूक्शन में क्या बोलते हैं मुझे ये ही नहीं पता था तो मैं चुप हो गई तो उन्होंने मेरा सी वी लिया और मेरे हाथ ही रख दिया <laughs> बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुँह पर तमाचा दिया हो और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी तो फिर मैंने सी लिया और लौट के चली आई फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है कोशिश भी की सीखूंगी सीखूंगी ट्राई भी किया एक दो बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी इंस्टीट्यूट में जाना होता है फिर इतना टाइम भी होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए इन्वामेंट चाहिए बहुत चाहिए होता है लोगों से बात करोगे तभी आएगी अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का तो आप उसे डाउनलोड करिए तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम आ, दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है सबसे अच्छा जो बैक पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है मैं बात कर सकती हूँ इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ नाउ आई एम नॉट स्केयर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश थैंक यू जोश